आप देख रहे हैं 2020 का किंग कॉन। कल आईपीएल में सिर्फ एक मुकाबला हुआ, हैदराबाद वर्सेस राजस्थान, लेकिन हैदराबाद ने राजस्थान को एक तरफा मुकाबले में 9 विकेट से हरा दिया। पहले हैदराबाद के गेंदबाजों ने कमाल दिखाया और फिर तो बल्लेबाजों की आंधी में राजस्थान के गेंदबाज उड़ गए। खास तौर से कल गब्बर की आंधी देखने को मिली हैदराबाद में। हैदराबाद को जीत के लिए 126 रन का मामूली लक्ष्य मिला था, जिसे उन्होंने 25 गेंद रहते ही हासिल कर लिया। सलामी बल्लेबाजी करने आए शिखर धवन ने 57 गेंद पर नाबाद 77 रन बनाए, जिसमें 13 चौके और एक आसमानी छक्का शामिल था। शिखर धवन के साथ साथ केन विलियमसन ने भी नाबाद 36 रन की कप्तानी पारी खेली। शिखर और विलियमसन के बीच दूसरे विकेट के लिए 121 रन की साझेदारी हुई। कप्तान विलियमसन ने 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, इनमें से 3 गेंदबाजों ने 6 से भी कम इकनॉमी से रन दिए। सिद्धार्थ कौल और शाकिबुल हसन ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। वहीं भुवनेश्वर, राशिद और स्टेन लेक को 1-1 विकेट मिला। आईपीएल में सिर्फ आज एक मुकाबला होने वाला है, दो धाकड़ खिलाड़ी आमने सामने होंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी और दिनेश कार्तिक की। धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स और कार्तिक की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होने वाले इस मैच से पहले धोनी को एक बड़ा झटका लगा है। केदार जाधव आईपीएल से बाहर हो गए हैं। केदार को मुंबई के खिलाफ हुए मैच में हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी। ऐसे में पिछले मैच में ओपन करने वाले अंबाइची राइडू मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर सकते हैं, जबकि सलामी बल्लेबाज मुरली विजय की टीम में वापसी हो सकती है। चेन्नई के खिलाफ कोलकाता का जीत प्रतिशत सिर्फ 38.8 का है। दोनों टीमों के बीच हुए 18 मैच में 7 केकेआर ने जबकि 11 चेन्नई सुपर किंग्स ने जीते। चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई ने कोलकाता को 7 में से 5 बार मात दी है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।